गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिलहाल हम लोग रुके हैं ब्रह्मपुर में, जो कि ओडिशा में है और मेरे घर से 630 किलोमीटर दूर है। और आज का जो हमारा राइड होने वाला है ये होगा यहाँ से विजयवाड़ा। रोड मैक्सिमम अच्छा ही मिलेगा तो ये करने में मेरे को शाम के 5-6 बजे तक ये हो जाना चाहिए। टाइम जैसे कि मैंने बोला 6:30 हो चुका है, निकलते हैं अब 10-15 मिनट के अंदर। सब कुछ हो चुका है, नहा लिया हूँ, पैकिंग वैकिंग करते हैं, निकलते हैं। नाश्ता कहीं रास्ते में ही करेंगे और चाय वाय भी पीना है तो रास्ते में ही करेंगे। चलिए, तो क्या है कि धूप हो गया है और धूप होने के साथ साथ गर्मी अब बढ़ने लगेगा, तो चेन लूप करते हैं उसके बाद निकलते हैं। ये हमारी बाइक और ये सेटअप रेडी है। आई शुड हैव गॉट सैडल स्टेज, बट ठीक है, फिलहाल नहीं है तो इससे काम हो जाएगा, बट दिस इज़ गुड। क्या हुआ बिल्ली, म्याऊं म्याऊं कर रही है? ठीक है जी, चलिए निकलते हैं फिर यहाँ से। हाल ख़राब हो गया, पूरा पसीना पसीना अभी हो गया हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं। जय श्री कृष्णा। चलिए यहाँ से हो गया अपना चेकआउट, नाउ लेट्स हिट द हाईवे एंड नाउ आई मीन हाईवे। तो देखिए कितना सामने था अपना होटल। अब यहाँ से अपना लंबा राइड शुरू फिर से। आई होप कि यहाँ से रोड्स अच्छे ही मिलेंगे। तो कल जो हुआ 620-630 किलोमीटर में इतना टाइम लग गया, शायद आज ना हो। दिन अच्छा था कल का, आई होप आज का भी दिन अच्छा होगा, लेकिन यार गर्मी भयंकर है। तो उस तरफ कहीं ओशन है और ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। कल मैं एकदम ओशन के बहुत सामने से गुजरा था, लेकिन इतना अंधेरा था कि कुछ पता ही नहीं चल पाया। आज भी गर्मी जो है तबाह करने वाली है, तो 12 बजे से पहले अच्छे खासे डिस्टेंस कवर कर लेना है। उधर देखो, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक एकदम माउंटेन्स। मन तो बड़ा कर रहा है कि यहाँ पे रुकूं और एक बढ़िया सा फ़ोटो लूं, लेकिन दो चीज़ें हैं, मेरा फ़ोटो कौन ले देगा और नंबर टू देर हो जाएगा। गर्मी में अब ऐसे नहीं रुक सकते, जहाँ भी इच्छा करे, इच्छाओं को थोड़ा मारना पड़ेगा। असली मज़ा तो बाइक राइड का ऐसे रास्ते में, और बगल में ये सब दिख ही रहे हैं। मैं आंध्र प्रदेश घुस गया, यस लग तो रहा है भाई। आगे रुक के एक फ़ोटो लेना तो बनता है। आंध्र प्रदेश इज़ द 9th स्टेट इन आर कंट्री वेर आई एम विजिटिंग। नहीं, 9th है कि 10th है, याद नहीं है, बस ऐसा ही कुछ है, समझ जाओ आप। आई एम वेलकमिंग माई सेल्फ टू आंध्र प्रदेश। इन सब चीज़ों में एक चीज़ को तो अप्रिशिएट करना भूल ही गया, ये मेरा बगीरा, ये जो साथ दिखाया है, ये जो पावर है इसमें, मज़ा आ जा रहा है, मज़ा। आई नो सुपर बाइक होगा मेरे पास तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा होगा, ये कुछ भी नहीं उसके कंपैरिजन में, बट यार इस लेवल पे दिस बाइक मचा रही है, मचा रही है ये बाइक। देखोगे ये, देखो ये, देखो ये है स्टेबिलिटी। मस्त लग रहा है यार, वहाँ पे पूरा शहर है उस तरफ, ये सीधा रोड, बिल्कुल सीधा, ये पूरा खाली एरिया। ये देखिए, हर हर महादेव। मैं ये देखते देखते मैं इतना खो गया कि कैमरा ऑन ही करना भूल गया। यहाँ 2 मिनट रुकते हैं, बहुत धूप है, नाश्ता करने के लिए सीधे रुकना चाहिए था, बट यार दिस फील्स अमेजिंग। यहाँ पे तो रुकना बनता है, पूरा दूर दूर तक खाली, और यहाँ पे माउंटेन, उसके ऊपर में शिव पार्वती जी का मूर्ति। बगल में आपको अगर दिख रहा होगा तो जो बांस होते हैं ना, बैम्बू, और उसके ऊपर झंडा लगा होता है, उनके सामने कितना छोटा लग रहा है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि कितना बड़ा स्टैचू है वो, वाओ, सामने से देखने में मज़ा आएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बगल में मंदिर देखो और मंदिर का एक फ्लोर दिख रहा है यहाँ पर। And now look at that. अच्छा खासा बड़ा होगा यार। मैं भी रुकने वाला नहीं था पहले, 60-70 किलोमीटर तो नहीं रुकता, 100 का प्लान था, लेकिन मिनिमम 60-70 किलोमीटर में नहीं रुकता, लेकिन ये देख के कौन नहीं रुकेगा यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, यही दिखाना था बस आपको। और हाँ,
आंध्र प्रदेश में घुस चुके हैं। चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से। मैं भी रुकता नहीं लेकिन भूख लगने लगा था तो रुकना ही पड़ेगा। धनराज फैमिली ढाबा, यहाँ पर लोग भी हैं तो मैं सोचा कि रुक जाते हैं। और ये है डोसा आंध्र प्रदेश में, देखते हैं कैसा लगता है। ये जो सांबर है ना, इट इज कम्प्लीटली लाइक सब्जी, कचौड़ियों के साथ सब्जी खाते हैं वैसा। हमारे यहाँ पे डोसा से थोड़ा अलग है बट इट्स गुड। चलिए फिर खाना खत्म करते हैं और बाहर मिलते हैं। चलिए यहाँ से अब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक बार मैं रुक रहा हूँ तो एक एक लीटर पानी पी जा रहा हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर मूर्ति है। पेट पूरा भर गया है मेरा, अभी मैं आराम से 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाऊँगा। करापड़ू टोल प्लाजा, ओके चलिए। सुष्मिता कह रही थी कि वेदर फोरकास्ट उसने चेक किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्लाउडी रहने वाला आज का वेदर। मुझे कोई क्लाउड्स नहीं दिख रहा है, काश क्लाउडी रहे। लेट्स सी, शायद दोपहर तक क्लाउड्स आ जाए। फिलहाल अगले 3-4 घंटे के लिए तो मौसम क्लियर है पूरा लग रहा है। ये है लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा और हमारे राइड शुरू होने के बाद हम लोग आ गए 87 किलोमीटर। 7:40 में हम लोग निकले थे, 9:30 हो रहा है। 45 मिनट्स का ब्रेक इंक्लूडेड है। मैं अच्छी स्पीड में भी आ पा रहा हूँ बिकॉज रोड बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है इस रूट में। रुका था यहाँ पे मैं बैटरी चेंज करने के लिए, बहुत बढ़िया लग रहा है उधर पूरा। मैं सोचा फ़ोन निकाल के फ़ोटो वोटो लूँ लेकिन फिर अब निकालो धूप में फिर करो सब, उतना जान नहीं। निकलते हैं। मैं करता भाई फ्लाइट से आके, ये सब मिस हो जाता यार। वो देखिए वहाँ टोल प्लाजा के बगल में इतना बड़ा सा हनुमान जी का मूर्ति है। श्रीकाकुलम आने वाला है जहाँ पे मैं अगला स्टॉप लेने का सोचा था। चलिए उतने करीब से तो ये रोड नहीं जा रहा है, यहीं से बजरंगबली को हेलो बोल देते हैं। वाह, जय बजरंगबली। और ये एक बड़ा सा ब्रिज, कौन सा ब्रिज है ये शायद गोदावरी है। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू। तो चलिए अगला ब्रेक ले लिया हमने, यहाँ से नारियल पानी लेकर के एक नारियल पानी पी रहा हूँ। तो नारियल पानी यहाँ पे पीते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लग रहा है। अभी अच्छा लगा, रोड इतना ज़्यादा अच्छा था ना अभी, तो मैं पूरे जोश में एकदम 140 किलोमीटर एक बार में कर दिया 1.5 घंटे में, तो अच्छा खासा रोड था। तो चलते हैं फिर, नारियल पानी पी लिया, थोड़ा सा अभी रिफ्रेशिंग लग रहा है और आगे रास्ता नापते हैं। टोटल आज का हुआ है हमारा 180 किलोमीटर, 3 घंटा हो चुका है निकले हुए। एक ब्रेक भी हमने लिया है, ये दूसरा ब्रेक है। ये अपना बगीरा सांस लेते हुए, थोड़ा इसको भी रेस्ट चाहिए। देखते हैं फ्यूल के लिए अब कहाँ रुकना होगा। 228 किलोमीटर और 50-60 किलोमीटर के बाद फ्यूल लेंगे। इसको बोलते हैं पहाड़, स्टैंड अलोन पहाड़। यहाँ से मेरे को
अनंतपुरम को पूछते हैं। अन्ना यहाँ से विजयवाड़ा किधर? इसमें ओके थैंक यू। वहाँ पर उस माउंटेन पे लगा हुआ अनंतपुरम लिखा हुआ है बड़ा सा। ये दो रास्ता कट गया हो, मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे किस में जाना है। ये कौन सा टोल है पता नहीं, सुंदर है लेकिन देखो इधर इधर ये क्या है भाई, रॉकेट वॉकेट का सामान है क्या? बड़ा खतरनाक दिख रहा है, प्लांट में यूज़ होता है। कितना अच्छा लग रहा है खड़ा होकर बाइक चलाने में। भाई साहब ये हाईवे कौन बनवाया है, मेरे को मिलवाओ उससे। कहीं से भी एग्जिट नहीं है कि मैं निकल के पेट्रोल लूं। तीन चार पेट्रोल पंप इसी में मिस हो गया, दूर तक एग्जिट नहीं है। मैन मेरा पेट्रोल अब ख़त्म हो गया है पूरा, कैसे निकलें इधर? दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये लोग कैसे घुसे यार, मेरे को भी घुसवाओ उधर। पहले तो कितने दूर तक पेट्रोल पंप नहीं मिला, जब मिला तो ये हाल है। इतने अच्छे अच्छे लोकेशन एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बताओ। अब ये मेन वाला हाईवे जिसको अभी गाली दे रहे थे कि किसने बनवाया है, वो छूट के ऑफ रोडिंग पे आ गए हैं। ये लव यू ज़िंदगी, नो आई अप्रिशिएट इट। मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है देख के। बहुत ग्रीन है यार आंध्र प्रदेश। नो बहुत ही खराब रास्ता है ये। नहीं है पेट्रोल, कहाँ मिलेगा आगे? आगे तो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर साइड में रास्ता नहीं है। ओ हाँ, तो फ्लेवर का नीचे का साइड में। अच्छा ठीक, थैंक यू। इतना ढूंढने के बाद पेट्रोल पंप मिला नहीं, और जो मिला उसमें पेट्रोल नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि बाइक में भी पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है। इंडिकेटर तो पूरा दिखा दिया है कि भैया आप जान नहीं है, पूरा ब्लैंक हो गया है। खैर बिना चैलेंज के एक राइड कैसे कंप्लीट हो सकता है? कोई अगर कहता है कि बिना चैलेंज का लंबा राइड कंप्लीट हो गया तो वो झूठ बोल रहा है। देयर हैज़ टू बी अ चैलेंज। तो फाइनली अपने रूट से साइड हट के एक पेट्रोल पंप मिल गया। ए डबो, यहाँ पे पावर है क्या? कांड हो गया। अब कांड क्या हुआ है बताते हैं। ये वाला बेंड हो गया है, और ये बेंड नहीं हुआ है, बस कुछ स्क्रैचेस हैं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था कि मैं निकल जाऊंगा इस बारिश से, लेकिन आगे और तेज़ बारिश हो रहा है।